तो हे गाइस, कैसे हैं आप सब लोग? वेलकम बैक टू माय चैनल। तो 2 महीने बाद आज वीडियो निकाल रहा हूँ क्योंकि थोड़ा बिजी था मैं, और आज की वीडियो बहुत स्पेशल होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो में बताऊँगा कि मैंने थर्ड सेमेस्टर की फ़ीस कैसे पे करी अपनी, क्योंकि रिसेंटली हमने पे करी है और हमारे पास कोई ब्रेक नहीं था। और तुम्हें पता ही है कि आजकल कितनी कंडीशन कैसी है, यहाँ पे जॉब्स नहीं है, तो उसके चलते हुए भी मैंने कैसे मैनेज किया सब कुछ, और ये सब कुछ बताऊंगा। इससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले जाके सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो वीडियोस देख के, एंड शेयर ज़रूर करना जो कि नए आ रहे कनाडा के लिए। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स बिगिन विद द वीडियो। तो मेरा नाम है रोहित चिनवाल, यूज़ में आई हुई काफ़ी कॉलेज के रिलेटेड, कैनेडा के रिलेटेड बहुत ज़्यादा हेल्प कर रहा हूँ मैं। और सबसे पहले मैं अपने बारे में बता दूँ आपको कि मैं कब कनाडा आया था, मुझे कितना टाइम होगा। मैं कनाडा आया था पिछले साल दिसंबर 25 को, और मेरी क्लासेस स्टार्ट हो गई थी जैन 9। तो मेरा कोर्स है सप्लाई चेन एंड ऑपरेशन ऑफ कमर्शियल ट्रकिंग, 2 साल का कोर्स है। इसके बाद मुझे 3 साल का वर्क परमिट मिलेगा। मेरे कोर्स में क्या है, जैसे ब्रेक नहीं है, क्योंकि मोस्टली ब्रेक मिलते हैं 4 महीने के, और उस ब्रेक में आप फुल टाइम काम कर सकते हो, और जिसमें मोस्टली बच्चे पैसे इकट्ठे कर लेते हैं अपने थर्ड सेमेस्टर की फीस के लिए, और कई फोर्थ सेमेस्टर की फीस के लिए भी कर देते हैं। पर हमारे पास ब्रेक नहीं था, जो कि थोड़ा सा टेंशन दिया जिसने मेरे को कि मैं फीस कैसे पे करने वाला हूँ अपनी। और जब मैं जैन में आया था और उस टाइम पे बहुत वर्स कंडीशन थी, लाइक यहाँ पे जॉब्स नहीं थी, कुछ नहीं था, कहीं पे भी जाओ आप, और इतनी बर्फ थी जिसने कि कंडीशन और वर्स कर दी थी। वहाँ फैक्ट्रीज नहीं ओपन होती हैं कहीं, क्योंकि बर्फ जब पड़ती है यहाँ पे तो काम रुक जाता है किसी, तो जब काम रुक जाता है तो फिर बच्चे इतने आ रहे हैं और काम नहीं है इतना, तो उसके कारण सिचुएशन बहुत खराब थी। पर लकीली मुझे फैक्ट्री के एंड में एक जॉब मिली थी, जॉब में पे चला पर मुझे घंटे नहीं मिल रहे, तो मतलब पर एक्सपेंस में निकालना उससे इतना मेरा चल रहा था, और GAC जाके सेव हो रही थी मेरी। इसी के कारण मैंने थोड़ा थोड़ा करके अपना सेव किया। मैंने शुरू में खर्चे बिल्कुल नहीं करे, और मेरा कोर्स मैंने साथ साथ मेंटेन किया, और उसमें भी कोई स्टडी में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आई। यहाँ पे स्टडी बहुत इजी थी, इतना कुछ हाई नहीं है यहाँ पे कि इतना डिफिकल्ट है या ऐसा कुछ है। तो मेरी धीरे धीरे आर्ट्स बढ़े, घंटे बढ़े, मेरे को काम जहाँ पे मैं काम करने जाता, तो ऐसे ही करते मैंने एंड तक आते आते मैंने $5,000 सेव कर लिया था। मेरे पास वैसे $8,000 था, पर वो पैसा GIC का होता है, तुम्हें पता है कि GIC जो होती है हमारी, वो आती है हमें 2,000 हमारे बैंक अकाउंट में आती है, पर उसके बाद धीरे धीरे करके 650 करके आती है। तो जो आपकी पूरी GIC 1 साल के अंदर आएगी, तो मेरी अभी दिसंबर के एंड तक 650 पर मंथ आएगी, ठीक है। तो उस टाइम तक मैंने सेव कर लिए थे $5,000। तो हमें पे करनी थी फीस अपने 7.5 महीने बाद, ठीक है, क्योंकि हमारा ब्रेक नहीं था। अगर ब्रेक होता है तो 8 महीने बाद, 4 महीने का ब्रेक होता है, उसमें आप फुल टाइम काम करके सेव कर सकते हो। पर मेरे को 7.5 महीने बाद ही थर्ड की पे करनी थी, तो मैंने कैसे पे करी, मैंने $5,000 सेव कर दिया था, और $3,000 मुझे और चाहिए था। तो हमने इंडिया से लोन लिया था, मैंने एजुकेशन लोन लेके मैं कैनेडा आया था, मुझे मिला था 14 लाख का एजुकेशन लोन, और उसी एजुकेशन लोन से मैंने पहले 10 लाख रुपए अपने 1 साल की फीस पे करी, जिसमें 2 सेमेस्टर की फीस कवर थी, तो उसमें से मेरा 4 लाख बचा हुआ था। तो $3,000 होता है अराउंड 187 लाख, कुछ 187,000, तो मैंने इंडिया से उतने मंगा दिए थे और बाकी 5,000 मैंने सेव करा था, तो उससे मैंने मिला के अपनी थर्ड सेमेस्टर की फीस पे करी, ठीक है। भाई जिनका ब्रेक है 4 महीने का, वो तो चिल्लो के काम करो, यहाँ पे इतना स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं कि कमाना है। तो यहाँ पे क्या होता है कि दोस्तों के साथ जाओ, घूमने फिरने जाओ, मज़े करो, पर इतना ही नहीं है कि फालतू यहाँ पे आके फ़ोन दिए तुम्हारे पास, फिर आईफोन चेक करो। वैसे ले सकते हो तुम, क्योंकि मेरे फ्रेंड्स ने भी लिया था, पर वो अपना एक्सपेंस बढ़ा देता है, तो मैंने अभी तक नहीं लिया बेसिकली फ़ोन, अभी तो मेरा अभी कोई प्लान है भी नहीं आगे जाके, ठीक है। तो क्या हुआ कि अब मुझे 4 सेमेस्टर की फ़ीस पे करनी है, अभी मेरा 3rd सेमेस्टर शुरू होने वाला है, उसके लिए मेरे पास सिर्फ 4 महीने हैं पे करने के लिए। तो उसके लिए मेरे पास प्लान यही है कि अभी मैं फुल टाइम कर सकता हूँ, तो मैं फुल टाइम काम कर रहा हूँ, एक रेस्टोरेंट में कर रहा हूँ, एक और काम कर रहा हूँ, तो उससे मेरे जितने कैलकुलेशन है कि अगर मैं पर मंथ $2,000 भी लेके चलता हूँ कि मैं सेव कर रहा हूँ, उसमें से $1,800 भी सेव करता हूँ, तो भी जाके मैं सेव कर सकता हूँ इतना कि मुझे 8,000 जो मेरी 4 सेमेस्टर की फ़ीस है वो मैं पे कर सकूँ। तो अब मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताने वाला हूँ यहाँ पे कि कनाडा की रियलिटी है क्या बेसिकली। तो सब कहते हैं, क्योंकि आपने कई वीडियोस देखे होंगे जिसमें कहते हैं कि भाई कनाडा मत आओ, ये मत करो, वो मत करो, ये मत करो, यहाँ पे कुछ नहीं है,
तो 8 महीने के अकॉर्डिंग मैं अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ, लाइक रियली एक्सपीरियंस कि मेरा यहाँ पे मैंने क्या कुछ देखा है या क्या कुछ है। तो सबसे पहले मैं बात बता दूँ आपको कि जॉब्स के रिलेटेड, क्योंकि सबसे बड़ा कंसर्न ये है कि जॉब्स मिलेगी कि नहीं मिलेगी, ठीक है। तो भाई जनवरी तक, जनवरी से स्टार्ट हो गया था वर्स्ट कंडीशन, और अब जहाँ तक मुझे लग रहा है कि कंडीशन सुधर चुकी है, ठीक है। अब तुम आओगे यहाँ पे जॉब्स मिलनी शुरू हो चुकी है, क्योंकि मेरे कई दोस्तों को अब मिल रही हैं, जो नए इंटेक के आए हैं उनको तक जॉब मिल रही है डायरेक्ट आ गई, ठीक है। रेज्यूमे दो, कनेक्शंस बनाओ, दोस्त बनाओ यहाँ पे जिसके आप रेफरेंस से आप जॉब ले सकते हो, ठीक है। तो उसमें अब कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है, थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी पर इतनी प्रॉब्लम नहीं है जितनी जनवरी वालों को हो रही थी, जितनी हमें हुई थी प्रॉब्लम। तो गाइस यही थी आज की वीडियो, जिसमें मैंने अपनी जर्नी बता दी कि मैंने फीस कैसे पे करी, कि सब कुछ बता दिया मैंने आपको, जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ थी फीस के रिलेटेड। और ऐसी हेल्प चाहिए आपको कुछ, तो सबसे पहले तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दो, वीडियोज़ देख लो पीछे वाली सारी। और फिर भी आपको पर्सनली मुझे कॉन्टैक्ट करना है तो मेरी ये इंस्टाग्राम आईडी है, इस पर मुझे कॉन्टैक्ट करिए। मैं मतलब लाइक मोस्टली रिप्लाई करने का ट्राई करता हूँ, और जिनके क्वेश्चन है रिप्लाई करता हूँ, उनको आंसर्स देता हूँ। और मैं पढ़ रहा हूँ अभी कॉनेस्टोवा कॉलेज, अगर आप भी कॉनेस्टोवा कॉलेज आ रहे हैं तो मिलना ज़रूर यहाँ पे आके, और सितंबर इनटेक के बच्चे भी आ रहे हैं। और अगर मेरी वीडियो रियली हेल्पफुल थी आपके लिए तो शेयर ज़रूर करना, लाइक ज़रूर करना, कमेंट ज़रूर करना, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।